अध्यक्ष जी पढ़ो साथियों पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 पार्लियामेंट्री सीट के भव्य जो ऑफिसेज हमने खोले हैं जम्मू हो जो कि जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट, उधमपुर में उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट्री सीट का ऑफिस और वहीं श्रीनगर में श्रीनगर बड़गाम पार्लियामेंट्री सीट और बारामूला कुपवाड़ा पार्लियामेंट्री सीट का ऑफिस बारामूला में खुला है और वहीं अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री सीट का ऑफिस 2 ऑफिस खोले गए हैं, एक अनंतनाग में जो कि अनंतनाग कुलगाम और शोपियान के क्षेत्र इस इलाके के अंदर पार्टी की एक्टिविटीज के लिए होगा और रजौरी पुंछ और नौशहरा का पार्लिमानी एरिया का ऑफिस रजौरी में आज खोला गया है। 6 बड़े ऑफिस हमने खोले हैं। इसके बाद हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बड़ा ऑफिस फरवरी महीने में खोलेंगे। जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली की सीटों में भी इसी तरह से ऑफिस खोले जाएंगे और उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं मंडल वहां भी हम अपने ऑफिस खोलेंगे और भव्य तरीके से जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा के चुनावों का जो बिगुल आज भारतीय जनता पार्टी ने बजाया है, विजय अभियान ये भारतीय जनता पार्टी का इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े हैं और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी
भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 15 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स, वो इस अभियान में जुट चुके हैं और ये संकल्प लेके कि देश में अब की बार 400 के पार, 400 से ज्यादा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीतेगी, उसमें जम्मू कश्मीर का भी एक बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ की पार्लियामेंट्री सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर की आवाम गिफ्ट मोदी साहब को देगी और यकीनन जबरदस्त जीत जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। रविंद्र सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बन गए। चूंकि कांग्रेस का सफाया हो गया है पूरे देश में और जो इन्होंने एक अलायंस बनाया था इंडिया अलायंस, उसका बंटाधार हो गया है। इंडिया अलायंस बनने से पहले उसकी कश्ती समुन्द्र में डूब चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या श्री राहुल गांधी जी हो, अब ये उस जहाज में बैठे हैं जो जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है और ये उस जहाज में सवार हैं। रही बात मोदी साहब की और इलेक्शंस की, देश में इलेक्शंस भी होंगे और मोदी साहब बार बार जीतेंगे, बार बार मोदी सरकार, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है फिर एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब जब खड़गे साहब को मालूम है कि उनके घर के लोग भी बीजेपी और मोदी साहब का बटन दबा रहे हैं, हो सकता है खड़गे साहब के घर के उनको छोड़ के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हों, इसलिए खड़गे साहब इतने परेशान हैं। उनकी परेशानी को हम समझ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस समेत सारे अपोजिशन का इलेक्शन से पहले ही सफाया हो चुका है। ओ फिर जिला कोई आगा दिखे लगे क्या कहेंगे इसको लेकर देखिए, हमारा देश कानून से चलता है, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। आप कांग्रेस समेत अपोजिशन के लोग जब पावर में थे तो इन्होंने दो दो हाथ से देश को लूटा, कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा। कानून जो है अगर किसी ने गलत किया है वो कानून से नहीं बच सकते। शुक्रिया।